नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांदगांव के खैरागढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां बीजेपी कार्यकर्ता बाइक रैली पर उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान रमन सिंह खैरागढ़ पहुंचकर चुनावी सभा संबोधित करेंगे और नगर पालिका चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। इस मौके पर जिले के सभी बड़े जनप्रतिनिधि समेत 20 बीजेपी प्रत्याशी मौजूद होंगे। खैरागढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे रमन सिंह। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजनांदगांव के दौरे पर पूर्व सीएम रमन सिंह है, बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे रमन सिंह। खैरागढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। बड़ी जानकारी एवं जानकारी, बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद हैं। खैरागढ़ में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, बड़ी जानकारी एवं जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं राजनांदगांव के दौरे पर पूर्व सीएम रमन सिंह। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शशि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, क्या कुछ पूरी जानकारी, कब तक पूर्व सीएम पहुंच जाएंगे और क्या कुछ कार्यक्रम होगा? देखिए, राजनांदगांव नगर पालिका चुनाव का पूरा मामला है। चुनाव सभा संबोधित करने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ी पहुंचने वाले हैं, जो 20 पार्षद 20 कैंडिडेट है उनके चुनाव सभा को संबोधित करेंगे और लोगों को जो पार्षद है कांग्रेस के अपील करेंगे साथ साथ अध्यक्ष के नगर बनाने के लिए जनताओं से रूबरू होंगे। साथ साथ जो ये बड़ी सभा है जिसमें लोग मोदी के साथ तीन बड़े मंत्री, तीन विधायक, जिले के बड़े नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे उससे कांग्रेस भी सत्ता सरकार कांग्रेस की है, तो कांग्रेस चाहती है कि इस बार भी नगर पालिका में जो जीत के जीत पाता जीत गया और उसमें जो अध्यक्ष है उनपे उनका कब्जा रहे, तो कहीं कहीं कहा जा सकता है जो सत्ता सरकार है उनके बाद जो लोगों को रुझान है वो देखने को मिलेगा। अब 20 तक जो मतदान है उसमें पता लगेगा कि कांग्रेस में झोंक रही है। तो वही दूसरी तरफ बात करें कि आज पूरे जो सीएम है सीएम थे जो सीएम तो जो अपनी ताकत झोंकने के लिए नगर पालिका राजनीतिक खैरागढ़ की जो चुनाव है उसमें ताकत झोंकेंगे और अपने अपने तरीके से अपने वादे पूरा करने की जो बात करेंगे उसके बाद जनता पे ये देखने के लिए 20 तारीख को देखना पड़ेगा कि जिस तरह से देखा जाए कि नगर पालिका जो चुनाव है खैरागढ़ में एक राजनीति का खाड़ा बना हुआ है। जी बिल्कुल शशि, क्योंकि मुख्य उद्देश्य रमन सिंह के दौरे का है कि बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करना, ऐसे में क्या कुछ वो मुद्दे रहेंगे जिस पर रमन सिंह लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील करेंगे? नगर पालिका पे कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन 3 सालों से जो नगर पालिका के जो विकास नहीं हो पाए, गड्ढे, स्वच्छता नहीं, कांग्रेस की बात करें तो राज्य शासन की विकास की बात कर रहे हैं, वो जो भाजपा है वो केंद्र की बात कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दों को दोनों पार्टियां भूल चुकी है, नगर निगम पालिका की जो होती है रोड नदी सड़क उसकी बात राज्य अपनी सरकार भाजपा की बात करें तो केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, तो कहीं कहीं जो मूलभूत सुविधा है वो जनताओं से दूर है। तो जनता इस बार अपनी अपनी खामोश है, गिरेगा बिल्कुल शशि। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।